हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 20 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़ पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि नो आउटसाइडर ऑन इंडियन टेरिटरी पीएम। तो कल ऑल पार्टी मीटिंग था 19 जून को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि कोई भी आउटसाइडर इंडियन टेरिटरी में नहीं है और ना कोई इंडियन आउटसाइडर टेरिटरी, मतलब किसी भी इंडियन को, मतलब किसी भी भारतीय सैनिक को किसी दूसरे कंट्री के द्वारा पकड़ के रखा नहीं गया है ना। तो बताया नो आउटसाइडर ऑन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये कब हुआ, मतलब ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ, ठीक है। तो ऑल पार्टी मीटिंग में आने के लिए क्या कंडीशन क्या रहता है, तो जैसा कल भी एक न्यूज आया था, तो कंडीशन ये है कि कम से कम 5 MP आपके पास होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला करके, तब आप ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पोल हुआ था, मतलब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, उस समय उसमें कुछ कैंडिडेट जीते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में बता देते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन जो होता है उसमें MLA वोट देते हैं उस स्टेट के। जो राज्यसभा के MP होते हैं किसी एक कंस्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लोकसभा के जो MP होते हैं किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए UP कोई स्टेट है, इसमें 80 कंस्टिट्यूएंसी है, तो इसमें जो भी सांसद है अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन UP से जो 32 राज्यसभा में सांसद जाते हैं, तो 32 के 32 सांसद पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई पार्टिकुलर किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। इनका इलेक्शन जो होता है MLA के द्वारा, उस स्टेट के MLA के द्वारा चुना जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। और 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 जो है इलेक्शन होकर के आते हैं, प्लस 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि AC रिफ्यूजेस टू स्टे वर्क ऑन सेंट्रल विस्ता। तो याद रखिए सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या है, तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो है नया पार्लियामेंट बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। और इसमें ट्रैंगुलर शेप का बिल्डिंग बनाया जाएगा, इसमें जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है ट्रैंगुलर शेप का बिल्डिंग बनाया जा रहा है। अभी जो बिल्डिंग है इलिप्स शेप का लगभग है, लगभग कंप्लीटली सर्कल नहीं है, इलिप्स शेप का है। अभी जो बनेगा वो ट्रैंगुलर शेप का बनेगा और इसी बिल्डिंग के आसपास में बनेगा, और पुराने वाले बिल्डिंग को म्यूजियम बनाया जाएगा। यह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो अभी कुछ लोगों द्वारा बोला गया था, कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों के द्वारा, कि इसको रोक दिया जाए क्योंकि देश में भी पैसा की कमी है और सरकार को नया बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, 2022 में इसको बनवा के ही मानेंगे, और अच्छी बात है, बनना ही चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और जगह भी इसमें कम है, काफ़ी छोटी पड़ रही है अभी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोलेबरेटेड विथ IIT न्यू दिल्ली। तो IIT न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलेबरेट किया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है, और 19 दिसंबर 1961 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका काम क्या है, तो वर्ल्ड ये जो है UN का बॉडी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो UN का प्रोग्राम है, फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ UN, और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। तो हंगर को एड्रेस करने में और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है, और रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 19 दिसंबर 1961 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं NHAI यहाँ पे न्यूज़ में था, तो NHAI के बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें क्या है, कहा गया है NHAI के द्वारा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये आता है। इसका स्थापना हुआ था 1988 में इसका स्थापना। तो यहाँ पे न्यूज़ इसलिए है कि NHAI पुल्ड ओवर ग्रीन ओवर डॉक्यूमेंट ऑन ग्रीन कवर अलोंग हाईवे। तो जैसे बताया गया था कि हाईवे के अलोंग ग्रीन कवर, मतलब कि दोनों तरफ पेड़ लगाना है, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं था, कि जो मैंडेटरी किया गया था उसको हटाया गया है थोड़ा सा, मतलब उसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट NGT इंस्पेक्ट ऑफ फुटबॉल ग्राउंड इन केरला। तो केरला में एक फुटबॉल ग्राउंड के NGT के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। तो हम लोग NGT के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली इस बार यहाँ पे हुआ क्यों था, क्योंकि पेरियार टाइगर रिजर्व में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, याद रखिएगा पेरियार नदी भी केरला में, ये भी याद रखिएगा, और पेरियार नदी केरला की सबसे बड़ी नदी है। और NGT के द्वारा इंस्पेक्शन हुआ, तो NGT के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो NGT का स्थापना हुआ था 2008 में, NGT एक्ट 2008 के तहत NGT का स्थापना हुआ था 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका ब्रांच ऑफिस चार जगह, CPC भी याद रखिएगा, चेन्नई पुणे कोलकाता और भोपाल, चार जगह इसका ब्रांच है। आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान में, उसी को फुलफिल करने के लिए NGT का स्थापना किया था। NGT का स्थापना जो है हमारे आर्टिकल 21 को कंप्लीट करने के लिए किया गया था। NGT एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि इसको किसी एक्ट के तहत बनाया गया, इसको किसी भी केस को 6 मंथ में डील करना होता है, 6 महीने में इस केस को सोल्व करना होता है। और NGT जो है सारे इन्वायरमेंटल लॉ को देखता है, क्या करता है, तो इन्वायरमेंटल लॉ को देखता है, पर्यावरण से रिलेटेड जो कानून है उसको देखता है NGT। लेकिन दो पर्यावरण से रिलेटेड कानून ऐसे हैं जिनको NGT नहीं देखता है। कौन कौन सा है, तो एक है
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों को छोड़ करके जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड कानून है, जितना भी इन्वायरमेंटल लॉ है, सबको एनजीटी डील करता है। एनजीटी जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का बाउंडेड नहीं है, 1908 का एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारे कंट्री में, ठीक है, जिसके तहत न्यायालय को कैसे काम करना है बताया गया, तो उसके तहत एनजीटी बाउंडेड नहीं है, बल्कि एनजीटी बाउंडेड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एनजीटी फॉलो करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, तो इसके तहत तो बहुत पॉइंट आते हैं, लेकिन दो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहलाता है, तो एनजीटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे है कि एससी और जॉन्स हियरिंग ऑफ एनआईए, तो एनआईए के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, एनआईए 2010 के तहत, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, है ना, एनजीटी का स्थापना 2010 में हुआ था, एनजीटी एक्ट 2010 का है, ठीक है, एनजीटी एक्ट 2010 का है और इसी के तहत एनजीटी का स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते एनआईए के बारे में, तो एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में एनआईए एक्ट 2008 के तहत, एक्चुअली कन्फ्यूजन यहीं पर हो गया था हमसे भी, तो एनआईए एक्ट 2008 के तहत एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है। एक्चुअली जो ताज होटल पर जो हमला हुआ था, ताज होटल जो मुंबई का है उस पर जो हमला हुआ था, उसी के बाद सरकार को ऐसा लगा कि एक स्पेशल संस्था होनी चाहिए जो इस तरह से टेरर रिलेटेड क्राइम को देखे, तो उसी के तहत एनआईए बनाया गया था उसी के बाद, तो एनआईए एक्ट 2008 का है, लेकिन एनआईए का स्थापना 2009 में हुआ था और टेरर रिलेटेड क्राइम को देखता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और गृह मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल है वाईसी मोदी हैं, और यदि हाल में एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इसमें हाल में एक अमेंडमेंट हुआ है एनआईए एक्ट में, जिसके तहत एनआईए को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया गया है। जैसे पहले सिर्फ टेरर रिलेटेड क्राइम को देखता था, अब ये फेक करेंसी रिलेटेड केस को देखता है, कोई भी प्रोहिबिटेड आर्म का मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, उसके रिलेटेड क्राइम को देखता है, ठीक है, या फिर साइबर टेररिज्म के मामले को देखता है। तो ये था एनआईए के बारे में, और इसके पहले हम लोग एनजीटी के बारे में पढ़े थे, एनजीटी के बारे में याद रखिएगा, एनजीटी एक्ट 2010 का था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया अटेंड्स एफएटीएफ ग्रुप मीट ऑनलाइन, तो एफएटीएफ के बारे में पढ़ रहे थे, एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसका बनाया गया था, इसको 1989 में बनाया गया था G7 कंट्री के प्रयास के कारण बनाया गया था, G7 ग्रुपिंग जो है 7 कंट्री का, उसके प्रयास के कारण बनाया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में G7 ग्रुपिंग के कारण बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, OECD का जहाँ हेडक्वार्टर है उसी हेडक्वार्टर में इसका भी हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया, OECD का हेडक्वार्टर, OECD का फुल फॉर्म यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, OECD का हेडक्वार्टर जहाँ पे है उसी के हेडक्वार्टर में FATF का भी हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसका काम क्या है, तो जब स्थापना हुआ था 1989 में उस समय इसका एक ही काम था, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, ठीक है, उस समय इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को देखना कि पैसा का जो इलीगल रूप से होता है ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, मतलब कि एक कंट्री के आदमी लीगल रूप से दूसरे कंट्री के बैंकों में जो पैसा जमा कर देते हैं उसको रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना इसका मेन काम था। लेकिन 2001 के बाद जब वहाँ पे USA में जो हमला हुआ था 26/11 का जो अटैक हुआ था USA में, उसके बाद इसके काम में एक चीज़ और ऐड कर दिया गया, तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को भी देखता है, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को भी देखता है। लेकिन इनिशियली जब बना था 1989 में FATF जब बना था G7 के प्रयास से, तो उस समय सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को देखता था। लेकिन अब जो है 2001 के बाद जब वहाँ पे हमला हुआ था US में 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद जो है टेरर फाइनेंसिंग को भी देखता है। इसके तहत कई लिस्ट निकाले जाते हैं, जैसे जो कंट्री टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड काम नहीं करता तो सबसे पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो अभी ग्रे लिस्ट में 7 नेशन है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका भी आते हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित और भी 7-5 नेशन है, मतलब टोटल 7 नेशन अभी ग्रे लिस्ट में, तो पाकिस्तान अभी इसमें ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में इसमें दो कंट्री है, एक नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है और एक ईरान ब्लैक लिस्ट में है, तो नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान और श्रीलंका ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में 7 कंट्री है, ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री है। FATF 1989 में बना था, G7 का प्रयास से बना था, हेडक्वार्टर इसका OECD के हेडक्वार्टर वाले बिल्डिंग में ही, मतलब उसी के साथ अटैच्ड है पेरिस में। इसका काम क्या है, तो जब बना था इसका काम था कम बैक टू मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन 2001 में जब वहाँ पे हमला हुआ USA में, तो उसके बाद इसका काम एक और ऐड कर दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग। इसमें 39 मेंबर हैं, इसमें अभी 39 मेंबर हैं, 39 मेंबर हैं, जिसमें 37 कंट्री और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 37 तो देश है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे लेटेस्ट तो कंट्री ज्वाइन करने वाला है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया सबसे अंतिम है, मतलब कि अभी 37th नंबर पर ज्वाइन किया है कंट्री में। और ऐसे इसमें 39 मेंबर, तो 2 मेंबर और कौन कौन है, तो एक है GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एक है यूरोपियन यूनियन, तो दो जो है संगठन भी इसके मेंबर है,
जीसीसी और ईयू, और इसके अलावा 37 कंट्री इंडिया चाइना दोनों इसका मेंबर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था एफएटीएफ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आईएईए पासेज क्रिटिकल रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। तो दो दिन तीन दिन पहले के न्यूज में हम लोग पढ़े थे आईएईए के बारे में कि ईरान में इंस्पेक्शन करने गया था उन लोग, तो उसके अगेंस्ट में कुछ यहाँ पे पास किया गया है आईएईए के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आईएईए क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन का बॉडी है, ठीक है। ये यूएन का बॉडी है, इसमें 171 मेंबर। इसको बनाया गया था 29 जुलाई 1957 को इसको बनाया गया था। इसमें 171 मेंबर, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट है सेंट्रल इन्वाइट्स बिड्स फॉर LIC IPO एडवाइजर्स। तो हम लोग LIC के बारे में देख लेते हैं। LIC का स्थापना हुआ था 19 सितंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। तो याद रखिए LIC IPO क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब भी कोई कंपनी सरकारी कंपनी है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ही है, जब वो अपने आप को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कोई कंपनी खोला है जिसमें वो 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, वो चाहता है कि हमारे कंपनी का शेयर बिके जिसके कारण से जनता हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो हमारा पूंजी बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब वो मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा अपने आप को शेयर बेचने के लिए, सबसे पहली बार जब वो बेचने का, तब उसको इशू किया जाता है IPO इनिशियल पब्लिक ओपनिंग। उसके बाद फिर IPO जिंदगी में एक ही बार कोई कंपनी लॉन्च कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसको सेकेंडरी पब्लिक ओपनिंग बोलते हैं, SPO बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, उसके बाद बोला जाता है। तो नॉर्मली जो अधिकांश मार्केट होता है सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो LIC चूंकि अभी तक सरकारी कंपनी है, इसमें अभी पब्लिक का पैसा नहीं लगा है कि आम जनता इसका शेयर नहीं खरीद पाए हैं, है ना। तो पहली बार जब इसको रखा जाएगा शेयर मार्केट में तो इसका निकलेगा IPO, ठीक है। तो इसलिए IPO के बारे में इसके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि आपको बजट में आपको सुने होंगे कि LIC को में भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सरकार कुछ परसेंट शेयर बेचेगी, ठीक है। तो इसलिए उसका IPO आएगा, लेकिन जैसे ही इसका IPO वाला सीजन खत्म होगा तब जो शेयर आएगा इसका, तो नॉर्मली उसको शेयर बोलते हैं, लेकिन वो मतलब कि टेक्निकली देखा जाए इकोनॉमिकल टर्म में वो SPO कहलाता है, स्पेस सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग। और सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग क्या हुआ, तो जनता के पास जो शेयर आ गया है ना, जनता यदि शेयर को बेच दिया, जैसे मान लीजिए कि IPO कोई आदमी था, LIC का IPO कोई ए नाम का आदमी खरीदा, लेकिन कुछ दिन बाद ए नाम के आदमी को लगता है कि IPO इसके रखने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या चाहेगा कि हम शेयर को वापस मतलब कि बेचे किसी और से, क्योंकि वापस तो LIC लेगा नहीं शेयर, ऑलरेडी वो बेच चुका है, तो ठीक है। तो क्या करेगा, इस शेयर अपना किसी दूसरे आदमी बी को बेचेगा जो इसको खरीदना चाहता है। तो ये क्या हो गया, ये टर्सियरी मार्केट बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली IPO जब बिका है तो सेकेंडरी मार्केट ही है, लेकिन जब SPO बिकेगा तब ये टर्सियरी मार्केट कहलाता है। तो यहाँ पे मेनली आप IPO के बारे में हम बताएं यहाँ पे कि LIC का स्थापना हुआ था 1956 में और इसका IPO आने वाला है। IPO क्या होता है, जब पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपने आप को बेचने जाता है तो उसका जो शेयर इशू होता है उसको हम लोग IPO बोलते हैं। जैसे कि नाम से पता चला IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ना, इनिशियल अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्केलेटर इवेंट्स ऑफ चाइल्ड फाउंड आउट तमिलनाडु खिलाड़ी एक्सकवेशन। तो जिस तरह से इंडस वैली एक्सकवेशन हुआ है और भी कई जगह इस तरह से खुदाई चले हैं, है ना। तो उसी तरह से तमिलनाडु में भी एक एक्सकवेशन साइट है जिसका नाम है खिलाड़ी, ठीक है। एक्चुअली इसको किलाड़ी पढ़ा जाता है या फिर किझाड़ी पढ़ा जाता है, तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज का वर्ड काफ़ी प्रोनाउंस करना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जो भी है खिलाड़ी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो किलाड़ी एक्सकवेशन साइट है, ये तमिलनाडु में है। ये संगम स्टेज का साइट है, मतलब संगम पीरियड के टाइम का है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड संगम एज का है, मतलब 600 से 500 BC का है, बिफोर क्राइस्ट 600 से 500 BC का है। ASI के द्वारा इसको किया जा रहा है, इस एक्सकवेशन को ASI के द्वारा किया जा रहा है। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया जा रहा है। इसका स्थापना हुआ था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ASI का, ठीक है। तो ASI के साथ तमिलनाडु का जो एक्सकवेशन है, तमिलनाडु के रिलेटेड जो ASI जैसा संस्था है ना, तमिलनाडु का जो एक्सकवेशन करने वाला है, तमिलनाडु आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तरीके से है। तो ASI तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसका एक्सकवेशन कर रहा है तमिलनाडु में। और खिलाड़ी एक्सकवेशन साइट के बारे में कब है, तो संगम एज के पीरियड का है, 600 से 500 BC के आसपास के है। ये लगभग मदुरई के पास है, मतलब मदुरई से 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ये जगह है। और नदी है वैगई नदी, यहाँ पे एक नदी बहती है वैगई नदी, याद रखिएगा VAIGAI वैगई नदी के मतलब कि यहाँ पे है बहती है। तो ये था यहाँ पे अभी एक बच्चा का स्केलेटर मिला है, तो जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उर्जित पटेल इज बैक चीफ ऑफ की इकोनॉमिक थिंक टैंक। तो कहा जा रहा है कि उर्जित पटेल जो पहले हमारे गवर्नर थे RBI के, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसे उर्जित पटेल ही गवर्नर थे, 2000 के नोट पे साइन करने वाले पहले गवर्नर है।
तो इस्तीफा दे दिए थे सरकार के साथ, इनका कुछ खटपिट चल रहा था, तो अभी जो है सब कुछ लगता है ठीक हो गया है, तो वापस ही आए हैं पिक्चर में 18 महीने के लगभग शांत रहने के बाद। तभी पिक्चर में कहाँ पे आए हैं, तो एक संस्था है सरकार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका काम है रिसर्च करना, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1976 में इसको बनाया गया था, 1976 में इसको बनाया गया था, तो इसके बारे में याद रखिए, इसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, इसको जो है चेयरमैन बनाए गए उर्जित पटेल को, हाल मतलब फ्राइडे को बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये था उर्जित पटेल के बारे में, याद रखिए पहले गवर्नर थे, अभी जो गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट, नॉट इन्वाइटेड टू पीएम मीट आप स्लम सेंटर ऑफ मिसलीडिंग द नेशन, तो आम आदमी पार्टी अपना दुखड़ा सुना रही थी कि हमको बुलाया ही नहीं, हम तो जाने वाले थे, ठीक है। तो जैसा कि याद रखिएगा, इसके लिए एक क्रिटेरिया है कि कम से कम आपको 5 MP होने चाहिए, तब आपको बुलाया जाएगा, भले आप कितना बड़ा अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करते, जैसे हर पार्टी तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी थी समझती है, जैसे RJD को नहीं बुलाया क्योंकि उसमें लोकसभा में उसके पास सुनना है, मतलब 0 MP है, अब भले अपने आप को विदेशी पार्टी समझे, राष्ट्रीय पार्टी समझे, है तो 0 ही उसके पास स्कोर। तो जब तक आपके पास 5 का स्कोर नहीं है, तब तक आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते, क्रिटेरिया है। इसीलिए दोनों जो हैं अपने आप के स्वघोषित राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो दोनों को नहीं बुलाया गया, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को, ठीक है। अब अपने आप को तो कोई कुछ भी समझ सकता है, हम भी प्रधानमंत्री समझ सकते थे, प्रधानमंत्री थोड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जैन शिफ्टेड टू मैक्स लंग इन्फेक्शन, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल थोड़ा सा न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट से नहीं है, जैसे आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा है। तो मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग इतना बेशरम आदमी है कि इलेक्शन में वोट मांगता है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दिए हैं, दुनिया लेवल का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना दी है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को, और जब खुद बीमार पड़ता है तो पल चल गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, मतलब बेशर्मी का हद पार करके धर दिया है ये लोग। खैर बीमार पड़ा है इसका अभी, मतलब कि इनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं फिर भी। नेक्स्ट, यहाँ पे योगा बूस्ट, ठीक है, तो योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सन जो है उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि उस दिन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, बिगेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को, और उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो याद रखिएगा। तो 21 जून को जो है सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमकता है, ठीक है, उसके ऊपर एकदम सीधा होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन हर ट्रॉपिक पे एक एक दिन के लिए ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जैसे 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 22 जून को उसके एक नीचे एक डाउन वाले पे आएगा, 23 जून को इस तरीके से, 22 दिसंबर को यहाँ पे सन पहुँचेगा, फिर सन यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो ये इसका प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा फिर 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन दिन और रात बराबर होता है, एक होता है 23 मार्च और 21 सितंबर, है ना, 23 मार्च और 21 सितंबर, तो यह इसको बोलते हैं सोलर इक्विनॉक्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, योगा डे जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, इसका रीज़न यही बताया गया UN के द्वारा कि इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब मतलब ज़्यादा आदमी रहते हैं ना, मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी जमीन कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज़्यादा पानी कम है। तो UN के द्वारा है वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, इंडिया के रिक्वेस्ट पर इसको मनाया गया था। तो जैसा क्या है बताया गया कि व्हाइल PM नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू दिस योगा डे थीम, तो थीम इस बार का क्या है, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा डे 2020 वाज इनॉग्रेटेड नीति आयोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट विच वॉज अंडेटेड बाई नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। तो याद रखिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है और उनके CEO अमिताभ कांत है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है, ठीक है। और बोला गया कि सूर्य नमस्कार करें, तो मेरा यह मानना है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, आप यदि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते तो डेली कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, जैसा कि हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रेलवे एम्स टू यूज ओनली मेड इन इंडिया कंपोनेंट रिड्यूस इंपोर्ट 0। तो शायद रेलवे वाले को बुद्धि अभी आ रहा है, बस रेलवे स्टाफ को आ जाए तो और रेलवे सुधर जाएगा। तो रेलवे मिनिस्टर को थोड़ा सा बुद्धि आया तो बोले कि मेड इन इंडिया कंपोनेंट ही हम यूज करेंगे, है ना, इंपोर्ट को अब हम 0 पे ले जाएंगे, मतलब कि इसमें रेलवे जो भी बनेगा पूरी तरह से स्वदेशी बनेगा 100%, इसमें कोई भी कंपोनेंट दूसरे कंट्री का मैन्युफैक्चर वाला नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और काफ़ी वेलकम स्टेप है, भगवान ये बुद्धि देते रहे इस तरीके से। नेक्स्ट, मेट्रॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। मेट्रॉइड जैसा ऑब्जेक्ट गिरा है राजस्थान में लगभग एक साल पहले, पिछले साल आई थिंक 2019 में ही, इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बिहार में गिरा था, है ना,
जिसको वहाँ के बिहार के राजधानी में कैपिटल में एक म्यूजियम है वहाँ पे इसको रखा गया, उस पत्थर को, एक बड़ा सा पत्थर था। उसी तरह का ऑब्जेक्ट एक राजस्थान में गिरा था, उन मेट्रॉइड आखिर होता क्या उसके बारे में पढ़ लेते। तो जैसे एस्ट्रॉयड होता है, एस्ट्रॉयड कहाँ पाया जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड का बेल्ट है। उसके अलावा कॉमेट होता है, यानी कोई भी ऐसा बॉडी जो स्पेस में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा बॉडी जो आउटर स्पेस में ओरिजिनेट हुआ है और अर्थ की तरफ आ रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो अधिकांशतः ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। अधिकांशतः ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण जल जाता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रांग होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है साइज में, ये बोलिए, या फिर फ्रिक्शन के कारण नहीं जल पाता है, तो किसी तरीके से लड़ते लड़ते अर्थ पर पहुँच जाता है, ठीक है। लड़ते लड़ते अर्थ पे पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर के साथ लड़ाई करते करते जब अर्थ पे पहुंच जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एस्ट्रॉयड हो, कॉमेट हो, मेट्रॉयड हो, ठीक है, मेट्रॉयड तो यहाँ पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं, बस स्पेलिंग में लास्ट में आई डी लगा दे, टी हटा को, तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। मेट्योर अलग चीज़ होता है, मेट्रॉयड अलग होता है, इसमें आई ओ डी लगा दे तो, और मेट्रॉयड अलग होता है, ठीक है। मेट्योर कब तक है, जब तक स्पेस में है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो उसका नाम बन जाता है मेट्रॉयड, ओ डी लग जाता है लास्ट में, और जब स्पेस से लड़ते लड़ते अर्थ तक पहुंच जाता है तब उसका नाम होता है मेट्योराइट, ठीक है। तो मेट्रॉयड पहुँचा है अभी राजस्थान में, ठीक है, काफ़ी एक ब्रेव मेट्रॉयड बोल सकते हैं, क्योंकि इतना सारा एटमॉस्फेयर को पास करते हुए आया है, तो राजस्थान में पहुँचा है। तो मेट्रॉयड के बारे में हम लोग अभी देखें कि क्या है, कोई सॉलिड पीस है, सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिज फ्रॉम एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का हो, जैसे कॉमेट हो, एस्ट्रॉयड हो, मेट्रॉयड हो, ठीक है, जो आउटर स्पेस में ओरिजिनेट होता है लेकिन वो सर्वाइव कर गया हो अर्थ तक आते आते, बहुत सारे ऑब्जेक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में गिरा है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते यूएस मलिंग ओवर रिस्टोरिंग इंडिया अंडर जीएसपी, तो यूएसपी मतलब कि कोई भी कुछ कंफर्म नहीं कहता कि जीएसपी देंगे या नहीं देंगे, जीएसपी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक तरह से देखिए कि ये ट्रेड में आरक्षण है, ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ नौकरी में आरक्षण है, हर जगह आरक्षण है, महिला पुरुष के नाम पे, मतलब कि कास्ट के आधार पे, ठीक है, आजकल एक नया फैशन है जेंडर के आधार पे आरक्षण देने का, तो जीएसपी एक तरह का आरक्षण है। ये कौन देता है, तो ये यूएसए देता है, यूएसए के अलावा भी बहुत कंट्री देते हैं लेकिन यूएसए भी देता है। तो ये क्या है, यूएसए का एक एक्ट है, ट्रेड एक्ट 1974 का, ट्रेड एक्ट 1974 का यूएसए का एक्ट है, जिसके तहत वो बोला कि जो भी गरीब कंट्री हैं हमारे यहाँ सामान यदि बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब कोई भी गरीब कंट्री, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हमारे यहाँ यदि सामान बेचेंगे, हमारे यहाँ सामान यदि एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम उनको सामान पे टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, एक कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है बी में, तो बी क्या करता है, उस पर टैक्स लगाता है ताकि इसका सामान महंगा हो जाए तो हमारे इसके मार्केट में कम बिके, ठीक है। जैसे इंडिया में भी चाइना के इतना सारा एक्सपोर्टर है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि चाइनीज सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे, है ना, 500% टैक्स लगा दे, उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, फिर चाइना का सामान इंडिया में नहीं बिकेगा, तो ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब कि इसको टैरिफ बोला जाता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि इंडिया से यूएस में भेजा गया, तो यूएस क्या करेगा, यहाँ पे टैरिफ लगा देगा। टैरिफ लगाने से क्या होगा, इंडिया का सामान महंगा हो जाएगा, तो इंडिया का सामान कम बिकेगा और यूएस का सामान ज़्यादा बिकेगा। तो हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट बनाना चाहती है इस तरीके से। यूएसए का एक बड़ा दिल दिखाया वहाँ पे, एक दरिया दिल दिखाया वहाँ पे, कि हम क्या करेंगे, जो गरीब कंट्री है वहाँ से यदि एक्सपोर्ट आएगा तो हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिससे उनका सामान सस्ता हो जाएगा, और जब सस्ता होगा मार्केट में तो यूएसए का जो सामान वहाँ का प्रोडक्शन है उसके साथ कंपटीशन करेगा, जिससे उसका सामान बिकेगा, और जब सामान बिकेगा तो कंट्री डेवलप करेगा, ठीक है। तो कंट्री जब डेवलप करेगा, तो यही हुआ इंडिया के साथ भी। इंडिया जो है जीएसपी का सबसे बड़ा बेनिफिट लेने वाला था, मतलब कि 119 कंट्री को जीएसपी का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रीफ्रेंस जो है, इसका 119 कंट्री को प्रीफ्रेंस मिलता था, 119 कंट्री को सुविधा मिलता था, जिसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा मिलता था, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था इस सिस्टम के अंतर्गत। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इंडिया तो अब गरीब कंट्री रहा नहीं, इंडिया तो डेवलपिंग है नहीं, डेवलप्ड हो चुका है, इंडिया पाँचवें नंबर का जीडीपी बन चुका है, इंडिया का यही कहना, जीएसपी उनका यही कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, इंडिया काफ़ी डेवलप हो चुका है, तब उसको जीएसपी की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरह से बोला जा रहा है कि तुम डेवलप हो चुके हो, तुमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया कहता है नहीं, हमको अभी भी आरक्षण की जरूरत है, है ना, अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी हम गरीब ही हैं। तो यही सारा जीएसपी का मामला है। तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल से इंडिया को जीएसपी के बाहर हटा दिए कि अब इंडिया को हम आरक्षण नहीं देंगे, अब इंडिया से जो सामान आएगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो बस यही दिक्कत है यहाँ पे। तो ये था जीएसपी के बारे में, याद रखिएगा 1974 में आया था। यूएसए का अपना इंटरनल एक्ट है, यदि यूएसए चाहे तो जीएसपी के अंदर इंडिया को रख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकता है, उसके ऊपर तो दबाव कोई बना सकता नहीं। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया वहाँ पे कूटनीति खेल सकता है कि आप जीएसपी के अंदर रखिएगा तो हम आपको ये सुविधा दे देंगे, है ना, कुछ वहाँ पे बातचीत हो सकता है। लेकिन जीएसपी क्या है हम, हो सकता है कि हम अच्छे से समझाएं, हम आशा करते हैं कि आपको जीएसपी को हम अच्छे से समझाएं, जीएसपी है क्या,
और यूएसए का एक ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसी के तहत जीएसपी का प्रेफरेंस दिया जाता है, 119 कंट्री को मिलता है। अभी इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियर था इसका जीएसपी का, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।